हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज थी मेरे हस्बैंड की छुट्टी और इसीलिए हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग करने के लिए हम गए थे विशाल मेगा मार्ट में, जो हमारे घर से सिर्फ 5 ही मिनट के रास्ते पे पड़ता है। सिर्फ 5 मिनट लगती है स्कूटी से जाने में। तो मैं, मान्या और मेरे हस्बैंड, क्योंकि आज उनकी छुट्टी थी तो इसलिए हम चले गए थे विशाल मेगा मार्ट। और ये मान्या कपड़ों को देख के हो गई थी पागल। इसको लग रहा था मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, मुझे ये टॉप पसंद आ रहा है, मुझे ये टॉप पसंद आ रहा है। उसको जाते ही सारे टॉप, भले उसके साइज़ के हैं या नहीं हैं, उसको सब पसंद आ रहा था। हर टॉप को बोल रही थी, मैंने कहा बेटा ये किड सेक्शन है, ये छोटे बच्चों के कपड़े हैं, आपको फिट नहीं होंगे, तुम अपने साइज़ का देखो। लेकिन उसको हर कपड़ा पसंद आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं उसको समझा रही थी, नहीं बेटा ये आपका साइज़ ही नहीं है, आप अपना साइज़ देखो। तो ऐसे ही हम लोग देख रहे थे और मेरे हस्बैंड ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, उनको कुछ बता रहे थे ये देख लें, हम ये ले लूँ, वो तो बिल्कुल चूज़ कर ही नहीं रहे थे। लग रहा था उनको तो ज़बरदस्ती लेके गए हैं हम लोग। बस मैं और मान्या ही देख रहे थे, और मान्या, यहाँ पे मान्या अपने लिए टॉप देख रही थी और मुझे दिखा रही थी कि मम्मा मैं ये ले लेती हूँ। तो उसने एक टॉप पसंद कर लिया था स्काई ब्लू कलर में, तो मैंने बोला ठीक है ये अच्छा लग रहा है तुम ये ले लो। और मैं भी अपने लिए कुछ कपड़े देख रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे पसंद नहीं आ रहा था कुछ भी, तो इसलिए मैं ढूंढ रही थी अपने लिए। और ये लेडीज सेक्शन ही था नीचे, सबसे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम लोग उसमें ही अपना देख रहे थे। और ये फाइनली मुझे ये टॉप अच्छा लगा वाइट कलर में, तो मैंने ये टॉप ले लिया अपने लिए। और मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी, देखना मान्या भी ने भी ये टॉप लिया था, वो भी दिखा रही थी, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि तुमको जो लेना है ले लो। तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे शॉपिंग में। तो फिर हम लोगों ने अपनी अपनी पसंद से एक एक टॉप ये ले लिया दोनों ने। और मैं और भी कपड़े, ये स्कर्ट्स थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी स्कर्ट्स, एक ब्लैक और एक वाइट कलर में, दोनों स्कर्ट्स बहुत अच्छी लग रही थी मुझे देखने में। तो मैं बोल रही थी, मैंने मान्या को, मैंने कहा तू ले ले एक स्कर्ट और एक मैं ले लेती हूँ, सेम सेम एक ब्लैक और एक वाइट, तो दोनों ले लेते हैं एक स्कर्ट। फिर मैंने और मान्या ने एक स्कर्ट ले लिया, एक ब्लैक और एक वाइट कलर में, सेम ही था, सेम फ्लावर प्रिंट था, बस कलर डिफरेंट था थोड़ा सा। तो हम लोगों ने एक एक ये पिक कर लिया। फिर हम लोग, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो तुम लोग इसी सेक्शन में रहोगे क्या, चलो ऊपर चलते हैं। फिर हम लोग चले गए दूसरे सेक्शन में, और मान्या इस सेक्शन का पीछा छोड़ना नहीं चाह रही थी। उसको टॉप, टी शर्ट्स, सब कपड़े पसंद आ रहे थे और उसको तो हर कुछ चाहिए। और पर्पल कलर के पीछे तो वो पागल रहती है, क्योंकि वो BTS का फेवरेट कलर होता है ना, BTS मेंबर्स का। तो उसको हर जगह पर्पल पर्पल, सारे टॉप जो उठा रही थी वो पर्पल कलर में ही वो उठा रही थी, क्योंकि वो BTS की फ़ैन है बहुत बड़ी, तो उसको इसलिए पर्पल हर चीज़, स्लीपर पर्पल, टॉप पर्पल, टी शर्ट पर्पल, उसको सब चीज़ जो चाहिए होती है वो पर्पल कलर में ही चाहिए होती है। तो उसने फिर भी फाइनली एक पर्पल टी शर्ट अपने लिए ले ही ली, और वो थी ये जिसमें क्यूट सा पांडा बना हुआ था, और उसने ये वाली, और ये भी इसने दो उठाया था, एक ही टॉप उठाया था, ये भी पर्पल ही था। फिर मैंने उसको बोला कि तुम ये टी शर्ट ले लो, टॉप तो तुम्हारे पास है पर्पल कलर में। तो फिर उसने वो टी शर्ट ले ली, और बस हम लोग अभी ऐसे ही थोड़ा देख रहे थे। फिर हम आ गए दूसरे सेक्शन में। सुंदर लग रहा है, कहाँ से बज रहा है, बजाइए। तो यहाँ पे लगी हुई थी काफी सुंदर स्लीपर्स, और फिर हम आ गए थे टॉय सेक्शन में, और ये दिखा किचन सेट। और किचन सेट को देख के मान्या बोल रही थी मेरा मन करता है अभी भी ले लूँ इसको, और उसको सारे टॉयज काफी अच्छे लग रहे थे, और वो हर टॉयज को देख के बोल रही थी ये भी ले लेती हूँ। मैं उसको मना कर रही थी, मैंने कहा तुम बचपन की आदत अभी तक छोड़ी नहीं हो क्या, जब हम लोग जयपुर रहते थे और जब दोनों को छोटे थे तो लेके मॉल में कहीं भी जाते थे ना, तो वही हर बार वही टॉयज लेने थे। इसको लेना था डॉक्टर सेट, उसको लेनी थी गाड़ी, बॉल, वो सब। अगर जिस बार नहीं दिलाते थे ना तो पूरा रो रो के बुरी हालत कर देते थे, और दोनों को खींच खींच के बाहर निकाल के लाना पड़ता था, और सब लोग हमको देख रहे होते थे, और बड़ा इंसल्ट फील होता था कि बच्चों को। नोनी वाली मैजिक कार, गेम तो था, ये तो चेस ले लेते, बाबा चेस खेलेंगे। ले ना नोनी को, ये नोनी की है।
ठीक है हाँ ये ही तो तेरे पास ये नहीं था तेरे पास तो इससे भी अच्छा वाला था हाँ, ये एक इस वाले में ग्रीन कलर भी है लग रहा ये ले लो पर ये देखो पर्पल सी नीचे अरे नीचे रखी थी शर्ट ऐसी शर्ट थी आपको पहले है ना खोल कर देखो तुम ठीक लग रहा मुझे तो बीच रास्ते में ही सामान ले रक्षाबंधन पर आराम से और इसका नाम ही बाथ मैट है ये वाला देखना माने ये कितने के ये वाले जो हम लावे वाइप्स हाँ इधर ही से नहीं है आपने कहाँ देखे थे वो वही स्लीपर नहीं है लंच बॉक्स तो क्या देख रही मेरी मर्जी तुझे क्या हो रहा बहुत सारा सामान लेके आए तेरे मतलब का कुछ भी नहीं है भाई मैं सोच रही हूँ पता नहीं कौन आ गया अरे ये जानबूझ के कर रहा है छेड़ रहा चल जरा तू तमीजी करते करते जाने का नाम ही नहीं ले रहा जब मैं तुझे कुछ कह रही क्या बना रही हो तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय